तुम देख लो कैसे आ रही मेरी गाड़ी के ऊपर सोया हुआ है, मैं देख लो मतलब फुल आराम से सोया हुआ है। चलो सोने देते हैं, इसकी भी जिंदगी है। और तुम सबको बोले गुड मॉर्निंग एडी के, मैं जस्ट अभी उठा हूं, मतलब अभी यार दोपहर के 1 बज गए। तो देखो अब क्या है कि ना, अब मैं फटाफट से एडिटिंग करूंगा, पीछे हो रहा मेरा लैपटॉप, एडिटिंग करके फिर तुमसे मिलता हूं। माया बोटी से तू सोच रहेगी तुम्हें व्लॉग कैसे बनेगा? सोए में उठा के बनाता है। मतलब इंसान रहा है तुम्हें। आज वो ऐतिहासिक दिन है, मैं जा रहा हूँ अपने बाल का कलर चेंज करवाने। अब कैसे करवाएगा? टेंशन मत ले अम्मी, मैं अब कुछ कलर अलग नहीं करा रहा, मैं ब्लैक पे करा रहा हूँ वापस। ये जो शौक था मेरा हो गया अभी के लिए पूरा, अब आगे जाके कोई अलग कलर लाऊंगा अगर मन करे तो। पागल हो गया है रे, अलग कलर बाल होते हैं काला। अच्छा उसी में थोड़ा सा ऐसे ऐसे करवा लो, एकदम पूरा बाल पक गया तुम्हारा। मैं चाहता हूँ अम्मी पूरा ग्रे, लेकिन ये धीरे धीरे येलो ग्रीन क्या क्या हो जा रहा है। पहले तुम्हारे बाल को शैम्पू करेगा। हाँ वो तो जरूरी है शैम्पू करना। हाँ। बोलते कभी शैम्पू करता नहीं है। अच्छा ठीक है, तो मैं ना व्हाट्सएप पे एक ऐसे ग्रुप से जुड़ा हूँ जहाँ पे ऐसे ऐसे फैक्ट्स आते हैं ना नहीं नहाने के ऊपर। पूरे वर्ल्ड में करीब 19,000 या 16,000 डेथ्स होती है नहाने के चलते। यू नो दिस, मैं रुजा देखो फैक्ट दिखाता हूँ। तुम देखो ये रहा वो फैक्ट, ठीक है। इसमें साफ साफ लिखा पड़ा है कि अ स्टडी कंडक्टेड बाय कंज्यूमर अफेयर्स एजेंसी, ठीक है थोड़ी इंग्लिश हैवी, अराउंड 19,000 पीपल लॉस देयर लाइव्स एवरी ईयर इन एक्सीडेंट वाइल्ड बाथिंग। मतलब नहाते वक्त एक्सीडेंट के चलते 19,000 लोग हर साल मर जाते हैं। मैं 19,000 भी नहीं चाहता ना, इसलिए मैं नहाता नहीं। मर जाओ ना पागल, बाथरूम में नहाना है मग से नल चला करके, उसमें क्या मरेगा लोग? मार्केट में क्या क्या चल रहा है तुझे पता नहीं यार, पानी करके अभी नहा रहे हैं तू है जी। तो देखो मतलब सीन क्या था कि ना अपने पूरे एरिया की लाइट जा रही थी, जहाँ मुझे जिस सैलून में जाने का मन था उनकी भी लाइट गई हुई थी। तो एट लास्ट जाके मुझे दो मसीहा मिल गए। तो भाई आपने बता दिया बालों कलर बैक टू नॉर्मल, काला करना है 15 से 20 मिनट। 15 से 20 मिनट पूरा मतलब अपन ओरिजिनल मास्टर बेडरूम में आ जाएंगे। हाँ या ऐसे करो, ऐसे बोलो फुल कलर, फुल कलर, फुल कलर भाई का भी अलग फुल कलर। करीब 10 मिनट हुआ है मेरे ख्याल से, 10 मिनट में ही भाई पूरा लुक लगभग चेंज हो चुका है। अभी उसको अपन 10-15 मिनट और छोड़ेंगे सूखने के लिए, लेकिन तुम देख रहे हो भाई मुझे खुद अपने आप को ना ऐसे फुल काले काले बाल वाले रूप में देख के अलग सा लग रहा है कि हाँ यार बहुत टाइम हो गया था नॉर्मल मास्टर वाले देखे हुए। नॉर्मल भी क्या देखो, अपन स्टार्टिंग से फुल व्रत इसी रूप में करते हैं, तो अपने लेके आया कि यार अपन फुल व्रत रूप अब एक्चुअल में आ गए। वो जो हमने करवाया था वो थोड़ा एक्सट्रीम फुल व्रत था, तो ऐसे एक्सट्रीम अपन कराते रहेंगे। तुम लोग मुझे कमेंट्स में बताते रहना कि यार नेक्स्ट कौन सा कलर मुझे कराना चाहिए, बाकी अभी के लिए मेरे ख्याल से ये काला वाला रूप सही है। और हाँ उससे पहले तुम देख लो यहाँ पे भाई मुझसे मिलने आए हैं, और भाई की एक शिकायत थी, भाई क्या थी आप खुद बताओ। भाई ने मेरे को ब्लॉक कर दिया था इंस्टाग्राम पे, क्योंकि मैंने मजे मजे में ऐसे लिख दिया कुछ गलत। मुझे बता रहा कि यार अगर मैं अपने फैमिली को बोलूं कि यार मुझे भाई ने ब्लॉक किया तो कितनी बुरी लगेगी ये बात, लेकिन अब तो वीडियो भी अब तो सीधा वीडियो माफ हटाओ एक बार। देखो शाउट आउट तो मेरा भाई क्रेजी भाई ने, ठीक है। और मेरा पता क्या, मुझे अगर कुछ चीज गलत लगती तो मैं सीधा कैंसिल करता हूँ, खच 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 सीधा ब्लॉक सॉरी। लेकिन हाँ भाई ने अपनी बुलेट देख के पहचाना, जो कि मेरे लिए बहुत प्राउड वाली बात है। ये तो पहले भी आ रखा है वीडियो में, मैं जानता हूँ। हाँ, ये मेरी पप्पू वाली वीडियो में आया था, पप्पू वाली। मैं चाहता हूँ करीब तुम लोग कमेंट सेक्शन में ना #oldmasterbutterisback ये भर दो, ठीक है। अब मैं नहीं बताऊंगा कि वो कितना तुम्हें करना है, 5,000 करोड़, 10,000 करोड़, तुम्हारी श्रद्धा के ऊपर है, लेकिन मैं चाहता हूँ तुम लोग #oldmasterbutterisback भर दो भाई कमेंट्स में यार। मतलब देख के मेरे को खुशी होनी चाहिए कि हाँ यार पब्लिक फुल सपोर्ट कर रही है अपने ओरिजिनल मास्टर बटर लुक में, ठीक है। चलो अब यहाँ से अपन चलते हैं घर, और घर चल के जरा मम्मी को दिखाते हैं, ठीक है। आ जाओ अब बता, पहले पहले नॉडी को अंदर करते हैं। तो मम्मी अब बता, अब लग रहा है सफेद से काला कैसे हो गया? अब मुझे ना मतलब जो मैंने देखा अपने आपको अजीब लग रहा है ना। हाँ मुझे लग रहा है कि ये मैंने कलर करा है वो मेरा एक्चुअल लुक था मम्मी। लेकिन सही खुश है हैप्पी? तुम देख रहे हो मतलब आज मम्मी के चेहरे पर एक स्माइल आ रही होगी ना, मतलब कि मतलब नूर अलग होगा उसका। मतलब एक चीज द्वारका के अपार्टमेंट की ना बात ही ऐसी है कि यार कुछ बने हैं तो बहुत अच्छे बन गए, कुछ अगर अभी बन रहे हैं तो ग्रेजुअल धीरे धीरे चल रहा है काम। ये देखो ये अपने मोटा भाई, मैं एक चीज देख रहा हूँ अपार्टमेंट में तो काम हुआ नहीं, लेकिन भाई ने अपने पर बेहतरीन काम किया है। पहले से परत ज्यादा हो गई है। इतने उस दिन ये गोदी में था भाई, लोग इतने बड़े हो गए। नहीं भाई यूट्यूब पे फेमस है।
ये रहा अपना 1 करोड़ वाला बैट। जितने लोगों को नहीं पता बता देता हूँ, ये इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज जो 1983 में वर्ल्ड कप हुआ था ना, उनमें जितने प्लेयर्स थे वेस्ट इंडीज के ना, उन सबके सिग्नेचर है, ठीक है। और काफी मतलब ये अतरंगी और भाई महंगा बैट है, इसकी बोली लगे ना 1 करोड़ से ऊपर जाएगा। सही में यार। और देखो जैसे तुम लोगों को पता है कि अभी दिवाली आ रही है, मैं तुमको दिखाता हूँ, भाई ने स्पेशली दिवाली गिफ्ट्स ला रखे हैं, वो भी कोई ऐसे ऐसे नहीं। तुम देखो इसके अंदर प्रॉपर डब्बों में ना लीड्स और पता नहीं कैसे कैसे सामान है। भाई क्या क्या है इसके अंदर? भाई ईयरफोन्स हैं। अच्छा सारे ईयरफोन्स हैं? जेबीएल के और क्रोमा के। अच्छा और ये दिवाली गिफ्ट के लिए है? गिफ्ट के लिए भाई। धीरज ये बता, आज तक तुझे कभी दिवाली गिफ्ट में महंगी से महंगा सामान क्या मिला है? प्रॉपर्टी। मैं इसलिए तो दोस्त उसका, समझ रहे हो, मुझे भी एक लीड मिल जाएगी। सोन पापड़ तो हर को देता है, लेकिन यहाँ से मैं लीड लूंगा। ओए होए होए होए, शर्म आ गया। ये मैं तुमको गिफ्ट दे रहा हूँ, सोन पापड़ी कल्चर ऐसे तो होता है भाई। एक ने डब्बा दिया, मैंने तुझे दिया तो सेम भाई, द्वारका में तू नो सोन पापड़ी लीड्स महंगी वाली। देश की धरती चल रहा है और हम लोग पीछे गालियां डिस्कस कर रहे हैं। भाई तेरे को पता है नई गाली आई है? ये भी बोल रहे हैं, हाँ भाई मैंने भी सुनी है। उसके अंदर हम दे भी रहे हैं। सो स्टेज पे हम स्टेज पे खड़े हैं, पूरी असेंबली हो रही है, मॉर्निंग असेंबली। हम पीछे थे, मॉर्निंग असेंबली थी, उतने में एक मैडम आई, खींच के दोनों के चांटे लगाए। असेंबली में खड़े हैं, जो गाना प्रॉपर गाया जा रहा था वो बंद कर दिया गया और हमारे लिए तालियां बजी कि देखो कितने गंदे आदमी है। सोच नेगेटिव में बजी भाई। हम लोग लंच में आराम से आते थे, फिर प्रिंसिपल मैम कहती इनके लिए ऐसे तालियां। भाई ये कौन सी तालियां है? कहते ये लोग उल्टे काम करते थे, इनको उल्टी तालियां। भाई मतलब धीरज ये है कि अपन दोनों बचपन से ही भाई केजी से साथ में, अपन और केजी से ऐसी उल्टी हरकतें करते हैं बस। सेफ्टी लेनी तो भाई ऐसी लो, ठीक है। प्रॉपर भाई ने अपना पूरा फेस ही कवर कर लिया है कि कोरोना काल छूएगा। हां छूले भाई। छूले लेकिन अंदर नहीं आ पाएगा। अंदर नहीं आ पाएगा। क्या बात है, बहुत बढ़िया। भाई को देख के ना मुझे अपनी वो भाई नॉवल याद आ गई, द इनविजिबल मैन। मुझे भाई पता नहीं ऐसे देख के ना यही याद आता है, वो उसमें भी बंदे का ना चश्मा दिखता है और पूरा गायब। तुम देखो मेरे सामने यहाँ पे द्वारका सिटी सेंटर, ठीक है। और तुम एक चीज देख लो भाई, ये प्रॉपर ना द्वारका में लेन आई हुई है साइकिल के लिए, ठीक है। मतलब प्रॉपर बंदे इसमें साइकिलिंग कर सकते हैं और अच्छा अच्छा ये भी कर सकते हैं। ओ तुम देख लो ये ऊपर से मेल्ट होने भी लग गया है। अरे वाह यार, लेकिन मैंने ऐसा सेम देखा है भाई, वो जो अपना वो बॉम्ब नहीं होता केक वाला बॉम्ब, वो केक बॉम्ब भी ऐसे ही आता है, तो वो भी अगर बर्स्ट होगा ना वो भी ऐसे ही बर्स्ट होगा जैसा होता है वैसा है। चॉकलेट है, ब्राउनी है, ऊपर आइसक्रीम है, सही है। और मैं क्या बोलूँगा ना, मैं खाने मस्त हूँ। टच मी। मम्मी सोच रही होगी बेटा गया है अपने काम से, काम कर रहा होगा। मैं यहाँ पे द्वारका में सिद्धार्थ के संग टच मी डांस कर रहा हूँ। हाँ सब कर दे ऐसे टच मी टच। 20 minutes later. अंकल लग रहा है सच्ची। पोजिशनली बाल ना ब्राउनिश से टोन में है। अभी ना उसने एकदम जेट ब्लैक कर दिया है। बिल्कुल पापा लग रहा है यार, बहुत बड़े लग रहे हैं। 5 साल ऐड हो गए तेरे उम्र। अच्छा लग रहा है। ओरिजिनली बाल काले नहीं है ना, इसलिए अभी उन्हें एकदम काले कर दिए। और मेरे वो जो नेचुरल बाल की जो कलर है काफी अच्छे लगते हैं। वो अच्छा लगता है। हाँ ये तो अंकल लग रहा है, अंकल लोग बासमो लगा के बैठ बहुत कुछ सुना था। मियां खलीफा चाप, सनी लियोनी चाप के बाद मुझे तो एक्चुअल में भी मियां खलीफा ज्यादा पसंद है। तो ये मियां खलीफा चाप, ये अफगानी चाप है और ये स्टफ चाप, ठीक है। और यहाँ पे ये कुरकुरे वाले चाप देखो। और आज ना मुझे बहुत ज्यादा भूख लग रही है क्योंकि यार आज मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया था। मतलब जब मैं बाहर गया था सिद्धार्थ के साथ, वो जो हमने चॉकलेट खाया था ना बस वही खाया। तो सुबह से यार मैं भूखा भी था, इसलिए मतलब मैंने इतना सारा खाना मंगा लिया सच में। और मुझे पता नहीं यार मैं सारा खा पाऊंगा नहीं खा पाऊंगा, कोशिश पूरी करूंगा। नहीं खा पाया तो कल तो खा ही लूंगा। और हाँ ये खाना बाहर से मंगाने का रीजन ये है कि यार मतलब आज ना घर पे बने थे दाल, वो चने वाली दाल नहीं होती और वो मुझे एकदम ना पसंद। देखो यार मैं दिखावटी खेल नहीं खेलता, मतलब कि सिर्फ दिखाने के लिए मैं दाल खाऊं, तुम लोगों को शिक्षा दूं कि यार तुम लोग भी दाल खाया करो। नहीं यार ऐसे अपन है नहीं, जब मुझे दाल नहीं पसंद तो नहीं पसंद। और हाँ यार देखो मुझे भी बता, मैंने इस वाली वीडियो में गिव अवे वाली क्लिप लगाई नहीं लगाई कि यार मैंने पिछले रात में गिव अवे विनर अनाउंस भी कर दिया अपने इंस्टाग्राम पे, ठीक है। मैंने प्रॉपर वीडियो बनाई है, अगर मैंने गिव अवे वाली क्लिप नहीं लगाई तो तुम लोगों को जल्दी मैं प्रॉपर व्लॉग बना के डाल दूंगा कि यार कौन विनर है। और इसको मैं प्रॉपर पार्सल भी करूंगा, अगर बाहर गए तो पार्सल करूंगा, अगर दिल्ली गए तो प्रॉपर अपन जाके देंगे। तो ये इन्फॉर्मेशन मेरे इंस्टा की पब्लिक जितनी भी है उन लोगों को पता ही है कि यार कौन विनर है। तो इसलिए बोलता हूँ इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो और हाँ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, क्योंकि अपने यार 8,000 सब्सक्राइबर बस बचे हुए हैं 1 मिलियन होने में, ठीक है। और तुम लोगों को पता ही है मतलब मैंने 1 मिलियन पे तगड़े सरप्राइज प्लान कर रखे, तो सब्सक्राइब कर लो। चलो तुमसे मिलते अपन कल एक कैडे व्लॉग के साथ, इस वीडियो पे एंड करते हैं, ठीक है। तो यार मैं मास्टर बटन तब तक के लिए गुड बाय।
गेड़ा गेड़ा सीने 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 ए सीन गेड़ा गेड़ा सीने 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 सीने